मल्टीमीडिया चैनल में हम आपको खुशामदेद कहते हैं। देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम। दुनिया में बेशुमार तफरीही मुकामात हैं जो ताजगी का एहसास दिलाते हैं और इंसान इनकी खूबसूरती से मुतासिर होकर तमाम तर थकावट और परेशानियां भूल जाता है। आज हम आपको निशा मल्टीमीडिया की जानिब से एक ऐसे ही कुदरती और खूबसूरत तफरी मुकाम की सैर कराएंगे जिसको देखकर आप वक्ती तौर पर अपनी परेशानियों को भूल जाएंगे। एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन तफरी मुकाम जिसे सयाहों की जन्नत करार दिया जा सकता है और वो है जेजो आइलैंड। जेजो आइलैंड पेनिनसुला में वाक़े है। इसको लैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है। ये साउथ कोरिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। जेजो आइलैंड जजीरा नुमा कोरिया का जन्नत नजीर इलाका सयाहत के लिए एक बेहतरीन मुकाम है। इस जजीरे का नीम बारानी मौसम, झीलें और चश्मे सयाहों पर एक सहर तारी कर देते हैं और सयाह इन नज़ारों में डूबकर रह जाते हैं। जेजो आइलैंड के साहिल इतने खूबसूरत और हसीन हैं कि यहाँ हर लम्हे समंदर की लहरें टकराती रहती हैं। सयाहों के लिए जेजो आइलैंड में बहुत सी मुतासिर कुन जगह हैं जो इनको वहाँ खींच कर ले जाती हैं। इनमें सबसे खूबसूरत चियोन चियोन वाटरफॉल है। ये जेजो आइलैंड की मशहूर और खूबसूरत आबशार है जिसे लैंड ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं। इस आबशार का नज़ारा सयाहों पर जादू कर देता है। इस आबशार की तीन धारें अलग अलग समंदर में गिरती हैं और ये नज़ारा देखने से ताल्लुक रखता है। हॉल असान माउंटेन इस जजीरे पर मौजूद आतिशफिशां पहाड़। हॉल असान भी इस हसीन खत्ते की एक अहम यादगार है। यहाँ पर मौजूद 5 किलोमीटर बुलंद चट्टान भी देखने से ताल्लुक रखती है। बीजारिम फॉरेस्ट इस जंगल को कदीम दरख्तों ने घेरा हुआ है। दरख्तों की ऊंचाई 80 फीट बुलंद है। ये जंगल भी अपने तलस्माती हुस्न की वजह से देखने से ताल्लुक रखता है। चिल सिमनी पार्क ये पार्क भी सयाहों पर एक सहर तारी कर देता है। मौसम बहार में ये पार्क रंगारंग फूलों से भर जाता है। इस जजीरे में म्यूजियम भी बहुत से बनाए गए हैं ताकि सयाह की मालूमात में इजाफा हो सके। फॉक विलेज म्यूजियम ये कोरिया के कल्चर को जाहिर करता है। हैनयू म्यूजियम ये खवातीन की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के लिए बनाया गया है। टेडी बियर म्यूजियम ये टेडी बियर के नए तसव्वुरात को बयान करता है। योमीजी बॉटनिकल गार्डन ये एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। इसमें 10,200 इकसाम के पौधे मौजूद हैं। यूनेस्को की 2007 की रिपोर्ट के मुताबिक इसका नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आया था। जेजो के करीब यूडो आइलैंड है। यूडो के मायने मुकामी जबान में गाय के हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर फिश फार्मिंग की जाती है। जेजो आइलैंड की खूबसूरती को देखकर कहा जा सकता है कि ये सयाहों के घूमने की बेहतरीन जगह है। ये जजीरा सिर्फ कुदरती हुस्न की दौलत से मालामाल नहीं बल्कि यहाँ आलमी मियार के 5-स्टार होटल भी मौजूद हैं, जहाँ दुनिया भर के लजीज और कोरिया के रिवायती खाने भी पेश किए जाते हैं। इस जजीरे के हवाले से कोरिया में कई देवमालाई कहानियाँ भी मशहूर हैं। गर्ल्स के जेजो आइलैंड
जजीरा नुमा कोरिया का एक ऐसा हसीन इलाका है। इस खित्ते अर्ज़ के सीने पर दमकता हुआ एक ऐसा हीरा है जिसे बिला शुबा इसकी बेपना खूबसूरती की वजह से इसे दुनिया का आठवां अजूबा करार दिया जा सकता है। हमें यकीन है कि आप इस सियाहती मुकाम को ज़रूर पसंद करेंगे और वक्ती तौर पर अपनी परेशानियों को भी ज़रूर भूल जाएंगे। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगेबान।